हिमाचल ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई की है वो एक बेहतरीन कदम उठाया है, लेकिन बाहर से हिमाचल प्रदेश में जो लोग अंदर आ रहे हैं वो उसके लिए सरकार थोड़ी सी सतर्क हुई है और सरकार ने ये फैसला किया है कि शाम 7 बजे के बाद प्रदेश में प्रवेश बंद रहेगा। तो क्या है ये पूरी खबर इस वीडियो में हम जानते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिमाचल की कोई भी करंट अफेयर्स या न्यूज़ जानने के लिए। तो खबर ये निकल के आ रही है कि बॉर्डर पर घर वापसी को उमड़ रही हिमाचलियों की भीड़ को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला कि शाम 7 बजे के बाद प्रदेश में प्रवेश बंद होगा और अब बाहर से आने वाले लोगों को सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। हालांकि ये शर्त आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे वाहनों पर लागू नहीं होगी। बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त बनाया है। इस आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग देश भर के राज्यों में मौजूदा हिमाचलियों की सूची तैयार कर रहा है। हालांकि प्राथमिकता के आधार पर छात्रों को लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने ये गुहार लगाई है कि बाहर से अगर आप आए हैं तो घर पर ही क्वारंटाइन और 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है उसको पूरा करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।